सो ये है मेरे साथ जतिन भाई। तो आज कितने तारीख है जतिन? आज 24th January। तो ये आए हैं सिर्फ 10 दिन के लिए और ये चले जाएंगे बाद में। कितने तारीख को जाओगे? फोर्थ। और आपको कैसे लग रहा है जतिन भाई? बहुत बहुत अच्छा। आपको पता हमारी पुरानी वीडियोस भी है मेरे पास, मैं आपको सेंड करूँगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। और आप एनर्जेटिक नहीं लग रहे आजकल? क्योंकि आज मैं थक गए हो। क्यों? मैं थक गया बस जनरली। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है इंडिया और उसमें कनाडा में? वहाँ बस अच्छा है सब कुछ, बहुत ही बढ़िया। क्या क्या बढ़िया है? अरे मेरे से ऐसे क्वेश्चन मत पूछ यार। और ये है हमारे साथ जतिन भाई जो अभी बहुत थक चुके हैं। तो आज है 24 January 2019। तो मैं पहुंचूंगा 6 April 2019 को और बहुत ही अच्छा लगेगा, बाकी देखते क्या होता है। सो ये वीडियो नहीं आएगी YouTube पर क्योंकि ये थोड़ा ब्लूपर टाइप हो गया और मुझे नींद बहुत आ रही है। और ये है हमारे भास्कर भाई फ़ोन पे लगे हुए हैं। इनकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत मेरे ऑल टाइम फेवरेट है ये भाई। मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने डिकैथलन ज्वाइन किया था ना तब से ये मेरे साथ ही एज अ पार्ट टाइमर पुराने स्टोर में जसियाँ वाले में। आप देख ही चुके होंगे इन्हें। आज 24 January 2019 तो ये कितने टाइम बाद आए हैं? पिछले बार कब मिले थे? 20-25 दिन पहले मिले थे वैसे ही है। लेकिन ये जो इंसान है जो पीछे एप्पल आईफोन के साथ है, ये वाला भाई हमें मिला है। ये गए थे सितंबर को, अगस्त में गए थे। एंड और आप बताओ कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा छोटा भाई है, इसको हमेशा गाइड करने का अच्छा लगा क्योंकि ये क्योंकि ये बड़ा नहीं हो सकता कभी, ये ऐसा ही रहेगा। मेरी विचार है ऐसे करने नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड करके रखूंगा अपने पास। और भाई आप कहीं भूल जाओ मुझे, बड़े आदमी बन जाओ। मैं भूल जाऊंगा ऐसे, जैसे ये जाएगा उसके एक महीने बाद मैं इसको भूल जाऊंगा। देखो ऐसे बातें करते हैं लोग। मैंने कहा आप मुझे भूल जाओगे? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो चुका है, आधा तो भूल चुका हूँ मैं। ये भास्कर भाई ये थे हमारे साथ हैं, अभी भी है डोमिस में, ये अभी हम केशव लेआउट में डोमिस में हूँ मैं। हाँ मुंबई स्टोर मुंबई थाने नहीं फिर जेल। भास्कर भाई का मोबाइल नहीं बदला भाई, आईफोन रखा हुआ इन्होंने। गरीब है हम, गरीब। देखो इतना सुंदर मुंडा, वाह। किसी ने रिश्ता कराना जरूर कॉन्टेक्ट करे मुझे। ये अपने लिए भाभी ढूंढेगा किचनर से। सो गाइस आज का दिन बहुत ही थकावट वाला है, मैं थक चुका हूँ और भास्कर भाई भी थक चुके हैं। लकी भाई के घर जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं थका। इनकी आईज को देख लो ध्यान से, थक चुके हैं। मेरी आईज है ही ऐसी नशेड़ियां जैसी। और देखिए दोनों अपने मोबाइल फोन्स में लगे हैं। मैं इन दोनों से मिलने आया था क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ था, बट मैंने सोचा इनसे मिलना जरूरी है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है हमारा। तो ये मुझसे नहीं, अकेले बहुत सारे लोगों से मिलने आए थे। तो बताया हमने सिर्फ इसको था। तो बताया हमें था, मुझे ही था सिर्फ कि मिलने आ रहे हैं। तो कल मेरा है, कल मैं जॉब पे जाना है, बट आज वीक ऑफ था, बट मैंने कहा मिलना तो ज़रूरी है। वीक ऑफ तो आते जाते रहते हैं, वीक ऑफ तो अगले हफ्ते भी आएगा, इसलिए मैंने सोचा भाई से ज़रूर मिलना है। जतिन भाई मूवी देखते हुए, ये देखिए जतिन भाई ना बिज़ी हो गए हैं, लगता है आके इधर भी बिज़ी हो गए। पहले हमेशा मैं ऐसे बात करते रहते थे, अब चुप करके अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। ऐसे बिहेव करते अपने छोटे भाई से इंडिया में आके हैं? यही सिखाया आपको कनाडा वालों ने? इन्हें पत्थर दिल बना दिया लोगों ने, पता नहीं क्यों। पहले ये बहुत खुले दिल के थे।
तो मैं डिकैथलॉन में जॉब करता हूँ एज ए स्पोर्ट लीडर। बहुत ही अच्छा स्टोर है, आप ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी ब्लूपर टाइप है और वैसे ही बनाई मैंने नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, मस्ती थोड़ी ज़्यादा थी, यादों के लिए, मेमोरीज़ के लिए। मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज पड़ी हैं। सो गाइस, इसी वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई है और इसे मैं अपने पास रखूँगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय जतिन भाई, बाय बोल दो, बाय जतिन भाई, जतिन भाई बाय बोल दो, बाय।